पूरा गिरा दिया गाइस, पूरा गिरा दिया है। तो हेलो दोस्तों, हम लोग अभी गोट मिल्किंग करने के लिए जा रही है, तो रास्ते में वो केकड़ा देखा तो वही उठाने वाली हूँ मैं। देख सकते हो पानी में केकड़ा, पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, अभी उठाने वाली धूप है ना। ये देख सकते हो गाइस केकड़ा, गाइस बिक गई हूँ मैं, देख सकते हो साड़ी भी पूरा बिक गई है मेरी। अभी तक वीडियो तो बनाया है नहीं पूरा, अभी से बिक गई। तो दोस्तों हम लोग को अभी तक बकरी को नहीं मिला, ढूंढ रही हूँ किधर बांध के रखा है। हाँ, तो गाइस मिला नहीं है, एक ही केकड़े को लेके ही घूम रही हम लोग। चलो अभी तक मिला नहीं, कौन सा रास्ते में बांध के रखा बोलते हैं। गाइस देख सकते हो पूरा जंगल है, जंगल के बीचों बीच हम लोग बकरी को और गोट को ढूंढ रहे हैं। अरबी भी लगाया है, हाँ। देख सकते हो आप लोग, नीचे नीचे दिखाओ, अरबी लगाया है और नाला भी पार करके जाने का है। देख सकते हो नाला है, पानी थोड़ी दिन वो दो दिन हो गया पानी आके, नहीं तो ये पानी नहीं रहता था पहले। बारिश की वजह से पानी भर चुका है ना, दो तीन दिन पहले बारिश गिरा था गाइस। ओ बकरी को ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक गए हैं दोनों, पूरा जंगल है देखो गाइस। क्योंकि हम लोगों का घर है ना जंगल के बीचों बीच, हम लोग घर है जंगल में रहते हैं हम लोग, जंगली है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी सड़क पर, बकरी भी देखा हम लोगों ने, वो देखो उधर है। पर दूर से दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, नजदीक पहुंच ही गए हम लोग। पर हम लोगों का सड़क यही है, ये जो मेन सड़क है, हम लोग जिधर भी जाना है ना इसी रास्ते से जाते हैं। जंगल के बीचों बीच हम लोग, और रात को किधर भी जाना है तो डर लगता है, जंगल में हाथी वो रोज निकलते रहता है। पर आप लोग आने की कोशिश करेंगे तो आना मत, रात को हाथी भी होता है गाँव में। तो पहुंच गई हूँ मैं बकरी के पास, देख सकती हूँ बकरी है। तो एक केकड़े को क्या करूँ मैं, छोड़ दूँ इसको? नहीं अभी नहीं छोड़ो, मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? देखो एक ही केकड़ा है, क्या करूँगा, छोड़ देती हूँ जमीन पे, इसको इधर छोड़ देती हूँ। अभी मैं बकरी का दूध निकालने वाली हूँ, रुक आवाज करती है। बहुत आवाज कर रही है वो, देखो गाइस वो तो देती नहीं है दूध निकालने को, लेकिन आवाज बहुत कर रही है मेरे को देख के। रुक बांध के करना चाहिए, बांध के करेगा तो अच्छा है। गाइस देख सकते हो कितना सारा लोग आ रहा है, बच्चे लोग भी आ रहा है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गांव में ही हमारा स्कूल भी, और हम लोग सड़क पे वीडियो बना रही है। सड़क ओ गिर गया।
गाइस देख सकते हो मेरे भी देसी स्टाइल से गोट मिल्किंग कर रही है। बड़ा अजीब स्टाइल है, आप लोग कभी किधर भी नहीं देखा होगा इस तरह मतलब मिल्किंग करना। ये अजीब स्टाइल है, देसी स्टाइल है। पर अच्छी से दे रही है। अपना सींग से बहुत लगा रही है मेरे को। रेस्ट लेने देती हूँ उसको भी, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी मैं। अभी आ गई हूँ मैं दूसरा बकरी को मिल्किंग करने के लिए। दूसरा है ये जो मैं हमेशा लेके जाती हूँ बांध के जो करती हूँ, ये वो वाली ये है, वो तो अलग है जो अभी पहला वीडियो बनाई। वो अलग है, उधर बीच रास्ता के बीचों बीच खड़ी है वो। सबसे भुला रही थी ना तू मुझे, पता नहीं अभी ये वाली बकरी देगी कि नहीं देगी। बेबे करके अभी आई तू सान पट्टी दिखाएगा। आजा, लगता है शायद प्रेग्नेंट हो गई ये। प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। इसको ज्यादा टॉर्चर भी करना नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट हो गई लगती है। दूध ही नहीं निकला। ओह ग्राउंड क्या इधर से कर कैमरा सामने की। ये आजकल ज्यादा दूध नहीं देती है, वही वो वाली दूध देती है, ये प्रेग्नेंट हो चुकी है लगता है, इसलिए दूध नहीं देती है। वीडियो बनाते बनाते थक चुकी, मेरा भूखरी सो गई है, लेटी है। इसका दूध जो है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, देख सकते हो गाइस कैसा है। इस तरफ से बहुत बड़ा है, इस तरफ से छोटा है, इस तरफ से बच्चा बहुत ज्यादा खाती होगी तभी तो। रुको भाई, पहले जैसा करेगा। अच्छा ऊपर चढ़ के मिल्किंग करूंगी मैं। पूरा गिरा दिया गाइस, पूरा गिरा दिया है, सारा दूध गिरा दी। थोड़ी थोड़ी करके पूरा दूध निकाले इसकी, पूरा गिरा दिया। देखो गाइस पूरा गिरा दिया, दूध भी बहुत पतला है। तो गाइस अभी हम लोग घर जाने वाली है, तो रास्ते पे ये पानी का टैंक है, तो फिर धोते जाएंगे इधर से। दूध तो पूरा गिरा दिया, दूध तो घर लेके नहीं जा सकती, फिर धोते जाएंगे इधर। प्लम्बर कैसा है, पानी है से निकलता है, पानी नीचे नहीं आ रहा है।